जो करना है कर ले, गाड़ी तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, गाड़ी बाइक ही होगा। ठीक है, गाड़ी तो हम बाइक करके इधर लगा दिए हैं भाई, धमकी दिया है टोल वाला की तरह, गाड़ी हम रात भर खड़ा करवा देंगे, देखते हैं। अभी रात भर इसका यही लोग का पावर हो गया ना, हमारा गाड़ी खड़ा करवा देगा रात भर। अरे इसका खटिया खड़ा करवा देंगे दिल्ली से एनएच में फोन लगा के, ठीक है ना, लोग बैंड बजा देंगे। चलिए क्या ये लोग से लफड़ा करने का है जी, फालतू में ये लोग ना मूड खराब कर देता है। अब टोल में हमारा कम नहीं होता, मेन क्या है ना, देखिए हम लोग कानपुर घूम के आए, अगर भोगनीपुर होके आते तो छोटा और भाई हम पहुंच गए हैं अभी उदयपुर से लमसम 60-70 किलोमीटर पीछे हैं। तो भाई पीछे हमको चिकन मिल रहा था, चिकन तो ले लिया, जगह ढूंढते ढूंढते आ गए कि भाई कहीं बढ़िया जगह मिल जाए थोड़ा छायादार, लेकिन भाई हमको जगह कहीं नहीं मिला। ठीक है, लास्ट में देखिए रोड किनारे ही गाड़ी लगा दिए हैं, रोड किनारे हमारा लग गया है गाड़ी, उधर भी गाड़ी लगा के सब खाना बना रहा है, तो हम सोचे हम भी इस साइड में खाना बना लेते हैं, भाई यहीं पर बनाएंगे, और इससे अच्छा जगह कहीं नहीं मिला भाई हमको, क्या करें। हम सोचे कि कहीं छायादार मिल जाएगा, लेकिन कहीं नहीं मिला पेड़ पुराना जगह। चलिए खैर अब यहीं पे बनाते हैं, उसके बाद में बना खा के आराम से चला जाएगा जी। दोस्तों बड़ा अच्छा जगह भी मिल गया और खाना बनाने के लिए भाई हम स्टार्ट कर दिए, देख सकते हैं टेलर के नीचे सारा अपना लग गया है। अरे देखिए चिकन लेके आ गए भाई 3 पौआ, ठीक है, प्याज वगैरह हम काट ले रहे हैं, तब तक हमारा चावल भी उधर चढ़ गया है, मतलब बहुत दिन के बाद में चिकन बनाने जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि मुनाजिर भाई गए हैं उसके बाद में हम चिकन नहीं बनाएंगे, 1 महीना हो गया होगा क्या मुनाजिर भाई है। चलिए मुनाजिर भाई भी घर से आए तो बोलते होंगे अभी तक उस्ताद हमको चिकन उकन नहीं खिलाया, चलिए बना दे रहे भाई, ठीक है ना, हालांकि गर्मी का दिन है ज़्यादा चिकन नहीं खाएंगे, आज बना रहे हैं उसके बाद फिर डिस्टेंस हो जाएगा लंबा। ठीक है दोस्तों, प्याज वगैरह मसाला तैयार करते हैं भाइयों, चावल हमारा बन के हो गया रेडी, तो देखिए चिकन को भी हम धो के बढ़िया रख लिया है। चलिए भाई अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, 12 बज गया है भाई, कढ़ाई इधर चढ़ा दिए हैं, हवा बहुत तेज चल रहा है भाई, फिर भी ये लंगोटी लगाए हुए ना तो थोड़ा सा राहत है, पूरा गैस को उड़ा दे रहा है हवा। तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है, देख सकते हैं, डाल देते हैं भाई इसमें प्याज, तो दोस्तों अब हमारा देखिए प्याज लहसुन मिर्च बढ़िया से भुजा गया, डालते हैं भाई इसमें। थोड़ा सा
है गोलकी जीरा का पाउडर, गरम मसाला बता दीजिए जी, एक चुटकी डाल दिया गरम मसाला बस। बताओ चिकन हमारा देखिए कितना बढ़िया भुजा गया था, मस्त एकदम, पानी जो भी छोड़ा था सूख गया और तेल में देखिए फ्राई भी हो गया बहुत अच्छा से। अब डालते हैं भाई इसमें हम मसाला, अब मसाला के साथ में बहुत बढ़िया से भुजाएगा, 10-15 मिनट भुजाएगा उसके बाद रेडी हो जाएगा भाई खाने लायक। चिकन हमारा मसाला के साथ में बहुत बढ़िया भुजा गया है और काफी टाइम से भुजा गया, सीज तो एकदम गया जी, हड्डी तो पूरा बिल्कुल छोड़ गया। अब भाई चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा तरी रखेंगे हल्का एकदम नॉर्मल बस। तो दोस्तों चिकन हमारा देखिए कितना लाजवाब बन के तैयार हो गया भाई, कितना शानदार कलर आया है एकदम सीज के ना एकदम बिल्कुल वो हो गया। चलिए अब गैस को करते हैं बंद और भाई खाना खाते हैं क्योंकि 1 बज गया अभी। तो दोस्तों दोपहर का बज गया 1:30 और खाना हमारा भाई निकल गया है, तो चलिए खा पी के फटाफट से निकला जाए, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। चिकन तो एकदम लाजवाब हो गया, सुपर। कैसा है मुनाजिर जी? मस्त है ना? दिन का बज गया 2:15 और भोजन पानी हमारा हो गया बढ़िया से भाई। अब मुनाजिर भाई को दे दिए हैं गाड़ी, अब भाई साहब चलाएंगे गाड़ी। क्या मुनाजिर जी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है तो चलाइए आराम आराम से। दोस्तों रात का बज गया 8 और हम पहुंच गए भाई हिम्मत नगर, हिम्मत नगर से पीछे हैं, हिम्मत नगर से मोटा मोटी 20-22 किलोमीटर पीछे हैं, टोल प्लाजा के पास में है, सकते हैं टोल प्लाजा है सामने में, ठीक है ना। तो अभी फास्टैग में हमारा कैश खत्म हो गया है बैलेंस, तो वही इसको बोले कि ठीक है टोल में हम गाड़ी घुसा दिए हैं, टोल वाला से अभी लड़ाई भी हो गया झूठो फोकट का, हम बोले ठीक है टोल हम गाड़ी बैक कर ले रहे हैं, बैक करके कंपनी में फोन करते हैं भाई तुरंत पैसा डालेगा हम लोग का कंपनी, बोला नहीं गाड़ी बैक नहीं करने देंगे, गाड़ी आप आगे लेके जाइए और आगे में फिर गाड़ी खड़ा करके और कैश नगद टोल कटा के जाइए, बताइए ये लोग मतलब ना कैश भी हमारा काट लेगा और फास्टैग में भी ये लोग बाद में काट लेता है, ये लोग का ऐसा सिस्टम रहता है, मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ़ हम ही लोग हैं। ये पूरा लड़ाई झगड़ा करके अभी हम बाइक किया, जबरदस्ती बाइक किया, हम कहे तुमको जो करना है कर ले, गाड़ी तो हम आगे बढ़ेगा ही नहीं, गाड़ी बाइक ही होगा, ठीक है तो गाड़ी तो हम बाइक करके इधर लगा दिए हैं भाई, ये धमकी दिया है टोल वाला की तरह, गाड़ी हम रात भर खड़ा करवा देंगे, देखते हैं अभी रात भर इसका यही लोग का पावर हो गया ना, हमारा गाड़ी खड़ा करवा देगा रात भर, अरे इसका खटिया खड़ा करवा देंगे दिल्ली से NH में फ़ोन लगा के, ठीक है ना, ये लोग बैंड बजा देंगे। चलिए क्या ये लोग से लफड़ा करने का है जी, फालतू में ये लोग ना मूड खराब कर देता है। अब टोल में हमारा कम नहीं होता, मेन क्या है ना देखिए हम लोग कानपुर घूम के आए, अगर भोगनीपुर होके आते ना चोटागरा होके, चोटागरा से भोगनीपुर घाटमपुर होते हुए तो कैश नहीं कम पड़ता टोल में, लेकिन हम लोग आए कानपुर घूम के, कहे कि इधर का रोड बहुत खराब है, रोड बन रहा है जहाँ तक,
तो भाई इधर कानपुर घूम के आया, तो कानपुर वाला टोल शायद 1000 का कि कितना का है, वही माइनस हो गया, उधर ज़्यादा कट गया। कंपनी तो अपना जोड़ घटाव करके डालता है। चलिए कोई बात नहीं है, कंपनी बोला है कि डाल दे रहे हैं 10 मिनट में, उसके बाद निकल जाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहे वीडियो में, मैं यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हिम्मत नगर, और हिम्मत नगर से 5-6 किलोमीटर पीछे है, यही से हिम्मत नगर से हमको घूमना है विठलपुर के लिए, ठीक है ना। विठलपुर यहाँ से मोटा मोटी 120 किलोमीटर और हमको जाना है। तो साथ में एक और गाड़ी है, वो भी बेचारा दिन भर से हमारे चलते रुके हुए थे उस्ताद, तो अभी साथ में ही हो गए हैं, उनको भी साथ में लेके जाना है भाई। वो भी इधर के लिए नया है और विठलपुर के लिए हम भी नया है, लेकिन चलिए लोकेशन मार के, लोकेशन हमारा आ गया है, कंपनी वाला भेज दिया था व्हाट्सएप लोकेशन, वही मार के जाना है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, आगे से घूमेंगे भाई। तो दोस्तों अभी हम लोग उदयपुर घूम गए हैं, उदयपुर से अहमदाबाद वाला रोड में, और देख सकते हैं सीन भाई, सीन देखिए इतना मस्त, एकदम पहाड़ काट के रोड बनाया हुआ है, इतना मस्त सीन आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा। वहां देख सकते हैं एकदम मस्त पहाड़ है जी, भले सूखा सूखा पहाड़ है लेकिन इतना मस्त लग रहा है ना देखने में, क्या बोले। मन कर रहा ना कि गाड़ी रोक के थोड़ा सा कहीं वीडियो बना ले, लेकिन हाईवे में रोकना मना है, इस रोड में गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते। ये वाला नया रोड अभी चालू किया है, नया रोड बनाया है, समझे ना। पहले उधर सिंगल रोड से जाते थे, मतलब वो भी रोड ठीक था लेकिन ऐसा नहीं था। तो अभी रात का बज गया 2 और भाई हम पहुंच गए एक पार्टी के पास में, विठलपुर में, विठलपुर में FGRS करके कंपनी है, वहीं पे पहुंच गए हैं एक गोडाउन में। तो देख सकते हैं गोडाउन नया अभी बन रहा है भाई प्लांट, क्योंकि इसका पार्किंग सब ना अभी कच्चा है पूरा, देख सकते हैं जहां तहां टायर दबा हुआ है। गाड़ी हम इधर लगा दिए हैं, अभी तो कोई है नहीं साहब लोग, जो कि पेपर वगैरह हमारा जमा हो। मुनाजिर भाई तो घूम के आए, तो बोला कि चलो गाड़ी वहीं रख दो, सुबह होगा जो होगा। तो एक उधर भी उस्ताद आए हैं, वही उस्ताद हैं भाई, ठीक है ना। कुछ नहीं हुआ, गाड़िया जहाँ है वहीं रहने दीजिए, ठीक है। कोई है नहीं, कोई नहीं है, हम भी लगा दिए हैं, मशीन ऐसी चल रहा है। चलिए तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक नमस्कार और जय जवान।